गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम ऑफ क्लास 9, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज फ्रॉम योर बिहार बुक एंड दिस इज योर फर्स्ट पोएम। एंड इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू से अबाउट द रोड इन आवर लाइफ एज वेल एज हिज लाइफ। दैट सपोज व्हाट हैपेंस, हम लोग जिंदगी में ऐसा पोजिशन आ जाता है, जैसे हम लोग एक सिचुएशन आ जाता है, डिलेमा में आ जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट सिचुएशन आल्सो एक्सपीरियंस्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोएम। सो वी विल डिस्कस इट्स रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ आल्सो इन फ्रॉम आवर रियलिस्टिक लाइफ। सो लेट इट स्टार्ट एंड देन एट लास्ट आई विल एक्सप्लेन द समरी टोटली। ओके, so at first understand the line to line poem, then we will go for the inner meaning. Okay, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Dono rasta diverged means, what is mean by diverged? Diverged means divided, and wood means, we know wood means a forest. Okay, dono rasta kya ho gaya na, forest mein aake alag ho gaya. Why the forest or wood is called yolo here? Idhar yolo kyun bola gaya forest ko na? Yolo means this is the time of autumn. Autumn ke time, patjhad ke time kya ho jata hai na, the forest become yellow, and that's why it's called योनो वुड और योनो फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट में दोनों रास्ता जब अलग हो गए, जब पोएट ने एक जंगल के बराबर, एक फॉरेस्ट के बराबर जब अंदर जा रहे थे, तो उसमें क्या देखे, अंदर क्या देखे ना, दोनों रास्ता अलग हो गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड ही फील सॉरी बिकॉज He couldn't travel both, दोनों रास्ता पे नहीं जा पाए, दोनों रास्ते पे नहीं जा पाए, इसलिए वो व्यथित था। क्योंकि हम एक ही आदमी है, हम कोई एक ही रास्ता चुन सकते हैं, दोनों रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। तो पोएट ने ये फील करके बहुत व्यथित फील किए, सॉरी फील किए, क्योंकि वो दोनों रास्ते पे नहीं जा पाए। क्योंकि उनका विश क्या था ना, दोनों रास्ते पे ही हम जा सके। His feeling of like that. And be one traveler long I stood. एक traveler होते हुए ना एक he stood long. Stand. What is stood here? And stood means the P2 form of stand. वो बहुत देर तक खड़ा रहे। एक traveler के नाते you become ट्रेवलर एंड ही स्टूड लॉन्ग, बहुत देर तक वो खड़ा रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, हम जितना दूर तक हो सके देखते रहे। बीच में दोनों रास्ते के बीच में, दोनों रास्ते के बीच में वो क्या किए, दोनों रास्ते में बीच में वो क्या किए ना, खड़ा रहे बहुत देर तक। पोएट ने ऐसे जा रहा था, तो जब जब जिस जगह पे दोनों रास्ता बिछड़ गए, दोनों अलग अलग जगह पे गए, ठीक है, तो दो इस सिचुएशन पे पोएट खड़ा होके क्या कर रहा है ना, दोनों के दोनों रास्ता की तरफ देख रहा है, ठीक है, इस तरफ भी देख रहा है और इस तरफ भी देख रहा है, ठीक है। तो उनको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रास्ता ले सकते हैं, तो ही कैन टेक ओनली वन रोड। तो इसमें वो चिंतित रह गई, बिकम स्टेंस, क्या करना है। और दोनों रास्ते के उनके अंतिम तक वो देखते रह गए। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरवुड, जिधर इधर जाके वो झाड़ी में घुस गए, ठीक है, और जंगल में उसके बाद एक डिस्टेंस होता है, उतना तक हम लोग एक रास्ते को देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं देख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि उसमें तुम कोई भी रास्ते कॉर्नर पे जाकर तुम खड़ा हो गए तो क्या हुआ ना, पूरा रास्ता तुम अंतिम तक नहीं दे सकते उसका, तो उसमें पेड़ पौधा में वो अटक गए, उधर जितना तक दिखाई दिया उतना तक पोएट ने क्या किया, उस रास्ते को देखने लगा। एंड देन टूक द अदर एज जस्ट एज फियर, एक रास्ते के बराबर देखे लेकिन उसके बाद क्या किया ना, दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उनको लगा क्या ना ये रास्ता दूसरे से अच्छा है, बिकॉज क्यों, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, इस रास्ते पे कोई बहुत दूर तक देखे लेकिन इसमें नहीं गए, इस रास्ता को चुना और इस रास्ते पे बहुत दूर तक देखे भी है लेकिन जिसमें जाना चाहिए था, इसमें क्या होता है ना और भी आदमी जाता है, क्लियर, बहुत लोग चलते हैं, पॉपुलर रोड है, लेकिन इसमें वो पोएट ने नहीं गए, क्या किया उन्होंने ना, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, डिफरेंट वे चुना, ठीक है, डिफरेंट वे पोएट ने चुना, जिसमें क्या होता है ना बहुत लोग नहीं जाता है, एंड उसमें ग्रास घास से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत लोगों का जाना आना नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर लोग उसमें चलते हैं, तो उस रास्ते ने चुना। एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैव टोल्ड देम रियली अबाउट द सेम, एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैव टोल्ड देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब जाने के टाइम लग रहा था दोनों रास्ता लगभग एक ही है, दोनों रास्ता लगभग एक ही है, तो इसको हम लोग अपना जिंदगी से रिलेटेड करेंगे, तो जब से सिचुएशन आ जाता है हम लोगों के लाइफ में, जब हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हारा एक तुम पास 10th पास आउट करके तुमको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, तुमको डिलेमा में आ जाता है, घर वाले बोल रहे हैं साइंस लेना है, तुम्हारा मन बोल रहा है आर्ट्स लेना है, तो इस सिचुएशन में आ जाते हैं हम लोग, तो जस्ट सेम सिचुएशन कोविड के अंदर हो रहा है, ये हर एवरीडे एवरी ह्यूमन बींग्स का एक फिलोसॉफी है, एक साइकोलॉजी है यही चीज, क्योंकि हम लोग डिलेमा में आ जाते हैं क्या करना है, एक रास्ते पे एक तुम आर्ट्स ले लिया तुमको लग रहा है कि ना साइंस अच्छा रहता, हम लोग कोई अपना लाइफ में अपना स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो लेकिन लगभग सब कुछ एक ही होता है, हम पढ़े ना हम लोग ऑल इज वेल, ओके, तो दैट लाइक सेम, ठीक है, तो आमिर खान वाला ऑल इज वेल उसके रिलेटेड, जो भी रास्ता लो जो भी रास्ता चुनो तुमको क्या करना है ना, तुमको उसी में ही टिके रहना है, उसी में ही मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि पोएट ने दूसरा रास्ता चुना और क्या हुआ ना उसको सेम लगा, फिर से हम लोग एंड बोथ दैट वार्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैव ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, and both that morning equally means in that morning the true road to the poet just like same it was just equally the two roads was just showing the unwanted beard and all people but the difference is in first road more people went but in the second road less people went, it was grassy, so pehla wala route mein kya hua na, pehla wala route mein bahut aadmi gaya hai lekin second wala road grassy tha aur bahut kam aadmi usme jaya gaya hai, theek hai, to in leaves no step had trodden black, to usme patta mein koi aadmi ka footstep nahi tha, किसी ने उसको क्या नहीं किए है ना ट्रोडेन नहीं किए है, उसको पैर से क्या नहीं किए, दलित नहीं किए है, और क्या होता है ना जब ग्रीन लीव्स को हम लोग ट्रोडेन कर लेते हैं उसके ऊपर चल लेते हैं,
वो क्या में चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो लेकिन सेकेंड रूट में क्या हो गया था, ना किसी का स्टेप नहीं था, स्टेप मीन्स फुट स्टेप, ठीक है, किसी का पैर का निशान, पैर का स्टेप क्या नहीं किए, फुट स्टेप क्या नहीं किए, ना उसको प्रूडेंट नहीं किए है, इसलिए वो क्या नहीं है, ना प्रूडेंट होने के बाद जो ब्लैक हो जाता है वो ब्लैक नहीं हुआ है, अभी भी वो लिप्स क्या है, अभी भी ग्रीन है, ठीक है। और ग्रास, और उधर का जो ग्रास था रोड का, वो भी क्या था, ना ग्रीन था और ग्रासी रोड था, ठीक है। एंड ऑफ आई केप द फास्ट फॉर द अनदर डे, हम पहला वाला रोड जो वो सेकेंड वाला रोड लिया था, ठीक है, वो ये वाला रोड में नहीं गया था, तो इस रोड में गया था, और इस रोड को क्या किए ना, एक दूसरा दिन के लिए रख दिए, ठीक है। आई केप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, दूसरा रोड में वो जो पहला वाला रोड अभी उसके लिए दूसरा है, ठीक है, वो क्या करेंगे और एक दूसरा दिन जाएंगे, ठीक है। एंड येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एंड हम जानते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्ते में जाने के बाद कैसे उसको लीड करके पार करना है, हम क्या कर हम जानते हैं, लेकिन तब भी आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, हम डाउट कर रहे थे हम उधर से जाने के बाद हम वापस आ पाएंगे, हम कैसे भी हम जानते हैं कैसे रास्ते को मैनेज करके हम आगे बढ़ना है, बिकॉज आई हैव आई मीन सेड द रॉबर्ट फॉस नॉट मी, ओके, एंड रॉबर्ट फॉस द पोएट क्या कर रहे हैं, ना वो जानते थे कैसे रास्ते को लेट करके जाना है, कैसे फॉरेस्ट को रास्ते को क्या करना है, ना पासिंग थ्रू करना है, तब भी उनको डाउट हो रहा था इस, क्योंकि वो बहुत गहरे में चल गए, नहीं मिड ऑफ द फॉरेस्ट, उस रास्ते में कोई गया नहीं है, ठीक है, और उस रास्ते पे इसलिए क्या पैर का निशान नहीं है, और जिस रास्ते पे गया होगा उसमें बहुत लोगों का पैर का निशान होता है, उसमें उसको देख के हम लोग उसको सहारा लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रोड है उसमें कोई नहीं गया, इसलिए उनको रोड भी पता नहीं चल रहे अच्छे से, और उनको डाउट हो रहा है हम कभी उसमें वापस आ पाएंगे। एंड नेक्स्ट रंजर, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, हम सब गहरे सांस के साथ हम बोल सकते हैं, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस एंड टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, बहुत एज से एज तक, ठीक है, ये क्या है ना, इस दोनों रोड डिवाइड हो गया था, एंड ये चलते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, एजेस में एजेस, एजेस टू एजेस मीन्स द जनरेशन टू जनरेशन, दिस इज हैपनिंग, दिस काइंड ऑफ द डिवीजन हैपनिंग, इट इज हैपनिंग टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग डिलेमा में आ जाता है, हम लोग के अंदर दो पार्ट है, दो डिसीजन आ जाता है, किसी भी कोई डिसीजन लेने के टाइम हम लोग, जैसे तुम जब मामी खाने के लिए बोल रहे हैं, तुम रोटी खाओगे क्या चावल खाओगे, तो तुम कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो अब क्या करना है ना, तब एक डिसीजन में आ जाते हो, कोई भी तुम्हारा फूड चॉइस के अंदर तुम होटल में गए हो, क्या लेना है, वेज लेना है, नॉन वेज लेना है, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो सेम थिंग उसमें क्या, हम लोग जब वेज खा लिए तब को लग रहा है नहीं नॉन वेज खाते तो अच्छा रहता, सेम थिंग द सेम आइडिया हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द रोबोट फॉर्स, और एक क्या सिर्फ एज से एज तक एंड जनरेशन टू जनरेशन तक ये चलते आ रहा है, ठीक है। एंड टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक हियर आई गिवन हियर टू टाइम्स यू कैन सी ओके एंड बिकॉज व्हाई इट इज गिवन हियर ना टू हाईलाइट द फीलिंग ऑफ द पोएट पोएट का जो पोएट हियर फर्स्ट पर्सन होके वो क्या कर रहे हैं ना अपना कहानी बता रहे हैं ठीक है तो अपना पोएम में अपना जो फीलिंग है उसको बता रहे हैं तो बात इसलिए वो खुद को खुद का जो फीलिंग्स जो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू हेजिटेटिंग सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं ना टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाइक डिसीजन पहले नहीं ले पाया था
और बाद में डिसीजन क्या लिया, ना उस रोड को लिया, उसको लिया था जिसमें क्या है ना लेस ट्रैवल बाइक, जिसमें बहुत कम लोग गए होंगे, ठीक है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, यही क्या कर दिए ना, सब कुछ अलग बना दिए, डिफरेंस बना दिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब जिंदगी में हम लोग दूसरा को चुनेंगे, जब एक फ्लो में सब कुछ आ रहा है, ठीक है, जब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, लेकिन तुमको क्या कुछ अलग बनना है, तुमको राइटर बनना है, तुमको सिंगर बनना है, वो तुमको प्लेयर बनना है, ठीक है। वो रोड उस रास्ते में बहुत हार्डल्स है, लेकिन तब भी क्या हो वो यूनिक बना देते हैं, ठीक है। तो यही चीज पॉइंट में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जब सब लोग एक रास्ते में जाते हैं, हम दूसरे में जाते हैं। आई एम नॉट लाइक द सेम, आई एम नॉट लाइक द ऑल, मेक द डिफरेंस, मेक योर आइडेंटिटी इन द क्राउड ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल। एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन और एक मैसेज मेरे तरफ से है, ठीक है, सही में कभी तुम जंगल में जाओगे और ऐसे सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, तो तुम कभी भी दूसरा रास्ता नहीं लेना, ठीक है, मे बी तुमको नहीं भी हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे।